गोचर में 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला 2024 सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। मेले का समापन बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया। मेले में जहां मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से लोकगीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां दी गई, वहीं दूसरी ओर जिला खेल विभाग की ओर से फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राजपुर 11 देहरादून और खिरसू FC के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित समय तक दोनों ही टीमों की एक एक गोल टीमों ने किया, जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में राजपुर 11 देहरादून ने 4-3 से खिरसू FC को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला देवकोट चमोली और ब्रदर्स क्लब कोचर के बीच खेला गया, जिसमें देवकोट की टीम ने ब्रदर्स क्लब को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मेले में उद्योग विभाग की ओर से स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए 40 स्टॉल लगाए गए थे। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक BS कुंवर ने बताया कि मेले के दौरान विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉलों से 42 लाख के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हुई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मेलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया।